बच्चे जो अंडर वेट है उनको क्या करना? बनाना एंड मिल्क अंडर वेट बच्चों के लिए। इधर बनाना वैसे भी माताएं बच्चों को बहुत खिलाती हैं, उसको पका के भी खिलाती हैं, कच्चा और ऐसे भी खिलाती हैं। बनाना एंड मिल्क ये अंडर वेट बच्चों के लिए। डेट्स जानते हो, खरजूर, डेट्स एंड मिल्क, मैंगो एंड मिल्क, शतावर एंड मिल्क, ये अंडर वेट को अच्छा कर देते हैं। और जो ओवर वेट हो तो क्या करना? जो ओवर वेट है उसको एक तो कपालभाति और गर्म पानी पिलाना और उसको गिलोई घनवटी खिलाना, एक गोमूत्र का अर्क हम देते हैं, वो पिला दो आंख बंद करके। गोमूत्र अर्क, गोधन अर्क, ये औषधि है कॉन्स्टिपेशन और ओबेसिटी के लिए, बहुत जबरदस्त है। जो माताएं मोटी मोटी बैठी हैं सुन लो, जो मोटी मोटी महिलाएं हैं रोज इसका 4 चम्मच पी लेना, थोड़ा सा वो मोटर में, ज्यादा गर्म में पीते हैं ना तो गले में लगता है, फिर इसमें थोड़ा सा स्मेल होता है, अमोनिया होता है इसमें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, वो नेचुरल है। लेकिन ये ओबेसिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्किन एलर्जी के लिए, देखो स्किन के लिए ये एलोवेरा और आंवला, मैंने बोला था ना, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी और त्रिफला, आंवला एलोवेरा ये जूस आता है ना, ये जूस ले लेना, ये जूस और एलोवेरा जेल, ये स्किन पर लगाओ। माताओं बहनों के लिए, स्किन के लिए मैं बता रहा हूं, सबको अच्छी स्किन चाहिए। स्किन के ऊपर ये स्टूडेंट्स में 15-25 इयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पिंपल्स आते हैं बहुत ज्यादा, पिंपल्स, उसके लिए ये एलोवेरा जेल मतलब 100% उसका क्योर है, 100%। किसी को बहुत ज्यादा हो तो कांति लेप साथ में लगा देते हैं, कांति लेप, किसी को बहुत ज्यादा स्किन खराब हो गई, पिंपल्स, रिंकल्स और भी रैसेस हो जाते हैं, थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल लो और इसको ऐसे, ये ऐसे आ जाता है हाथ में, ऐसे लिया और ऐसे लगा लिया, इसको ऐसे लगा के और ऐसे ये लेयर बन जाती है, ऐसे रात को लगा के ऐसे ले लो और ऐसे माथे पर, नाक पर, आंखों के नीचे, जहां जहां भी आपको पूरा स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है पूरा ऐसे लगा लो रात को, तो इसको लगा के सो जाओ, ये पूरा अपने आप एक लेयर बन जाएगा, 5 मिनट में सूख जाता है ये, इतना अच्छा होता है स्किन के लिए। एलोवेरा इज द बेस्ट। कोई भी जितना भी आप ये ब्यूटी क्रीम लगाते हो, केमिकल्स लगाते हो, वो कोई जरूरत नहीं, ऐसे इसको लगा के थोड़ी देर इसको ऐसे मालिश कर दो, और कहीं पर भी रैसेस होते हैं, इचिंग होती है वहां पर भी, इचिंग जहां भी है ना वही लगा दो, ये पूरा खत्म हो जाता है। कहीं पर भी इचिंग है हाथ में, यहाँ किसी किसी को ब्लैक हो जाता है, पैर में यहाँ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, फिर उसको ढक के रखते हैं, कहीं पर भी नेचुरल कलर रहेगा आपका और कलर में ग्लोइंग स्किन होगी, ग्लोइंग स्किन, और कोई भी एलर्जी नहीं होगी किसी भी तरह की स्किन एलर्जी के लिए, ये एलोवेरा बेस्ट है, इसको ट्राई करना, जहां तक हो सके नेचुरल चीजें प्रयोग करो, ये सबके लिए बता रहा हूं। अभी मैं आपको एक चीज बता के फिर ये सारी घरेलू चीजें बताऊंगा, एक आपको बता रहा हूं खास कमर के लिए। लेडीज को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेडीज को बैकएक की। आज जो भी यहां बच्चे आए हैं उन सबको एक तो ये गाय के दूध का हमने चॉकलेट का हेल्दी विकल्प बना रखा है, काउ मिल्क बार, एक ये मल्टीग्रेन दलिया है। देखो हम लोग क्या खाते हैं, एक तरह का अनाज खाते हैं, उससे कई तरह की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो मल्टीग्रेन खाने से कोई डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं आती। अब कमर दर्द के लिए खास
लेडीज को कमर दर्द होता है ना, तो ज्यादा नहीं, खाली 5 पोस्चर कर लेना, एक तो ये ऐसे ही थोड़ा कर लेना, इतना तो सब कर सकते हैं, फिर जो कर सके तो ऐसे भी कर लेना, करके देखो, ट्राई करो। ऐसे बैठ के भी उठ सकते, यह है उष्ट्रासन, ऐसे भी कर सकते, इतना भी आधा भी किया ना तो भी चलेगा। उष्ट्रासन एक ऐसे उल्टे लेट के, कमर दर्द ये बैक पेन लेडीज की कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए एक तो यही से करते हैं ना। फिर एक भुजंग आसन, ऐसे भी होता है भुजंग आसन, और दोनों हाथ ऐसे नीचे रख के छोड़ी के, ऐसे भी होता है। ये बैक पेन के लिए भुजंगासन और चंद्रप्रभावटी, ये दोनों बहुत जबरदस्त है बैक पेन के लिए। फिर सर्वासन, पीछे से उठाना, और एक है मरकटासन, बस इतना कर लेना। मरकटासन के 3 पोज हैं, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ। मरकटासन का ये पहला पोज है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा पोज होता है घुटने पंजों में डिस्टेंस करके। तीसरा पोज थोड़ा पैर सीधे करके ऐसे किया जाता है, जितना बन पाए ट्राई करते हैं, पैर से हाथ को टच करने के ऐसे। ये महिलाओं के बैक पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास बताया, बैक पेन के लिए। देखो, बैक पेन के लिए कुछ खास बातें बता रहे हैं। यहां से देखो, ये पॉइंट है ना, पहले उंगली के पीछे से ऐसे दबा लो, ऐसे फास्ट फिंगर के पीछे जो बोन है ना, इसको ऐसे दबाते हैं ना, तो बैक पेन में इमीडिएटली विद इन मिनट बेनिफिट हो जाता है। ऐसे ये ऐसे इसको दबाने से इमीडिएट इंस्टेंट पेन रिलीफ। पेन मैनेजमेंट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये फर्स्ट फिंगर के पीछे ये जो बोन है इसके ऊपर दबाते हैं, ये है बैक पेन के लिए। दूसरा रिंग फिंगर, देखो रिंग फिंगर के ये जो बीच का हिस्सा है, मिडल वाला, इसके ऊपर ऐसे पेन से ऐसे दबाते हैं, इंस्टेंट पेन रिलीफ। पेन मैनेजमेंट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जिसको भी किसी को बैके को अभी आपको दर्द हो रहा है तो अभी ट्राई कर सकते हो। मैंने हजारों लोगों को ठीक किया है। ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ओनली 2 पॉइंट, ऐसे दबाना, ऐसे ये जो ऐसे इसको दबा देते हैं दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इसको ऐसे दबाते ही ऐसे गोल ऐसे इसको घुमा देना, ऐसे रोलर की तरह ऐसे रोल कर देना, ऐसे एकदम दोनों हाथों में। लेफ्ट साइड में पेन है तो इधर, राइट में है तो इधर,
इंस्टेंट बेनिफिट होता है पेन के अंदर, और पैर में भी ये यहां पर ऐसे एकदम रिलीफ हो जाता है। पेन मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है ये, इतना जबरदस्त। फिर यहां से भी ये जो कर्व है, यहां से इसको ऐसे ऐसे दबा देते हैं, ये पूरा ठीक हो जाता है। तो ये मैं, क्योंकि महिलाओं को बैक पेन बहुत होता है, उसके बारे में आपको मैंने बताया। अब कुछ और बातें बताते हैं लेडीज के लिए, कुछ बहुत जो गहरी समस्याएं हैं। अभी तो मैं थोड़ा छोटी छोटी समस्याओं के बारे में बात कर रहा था, अब थोड़ा सा उनके बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में अभी बात करते हैं, लेडीज के लिए भी और छोटे बच्चों से लेकर के ये काम आने वाली बातें। एक बात देखो, एक तो कुछ चीजों को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए एक जीवन पद्धति के तौर पर ले आओ। सुबह उठते ही पानी पीना, सुबह उठते ही क्या पीना बोलो, पानी पीना, इसको बोलते हैं उषः पान। क्या बोलते हैं बोलो, जो सुबह उठ करके पानी पीते हैं उनका कभी पेट खराब नहीं होता। जो सुबह उठ करके पानी पी लेते हैं उनको गाल स्टोन और उनको किडनी स्टोन नहीं होता। ये बड़ी प्रॉब्लम है, गाल स्टोन, किडनी स्टोन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, हाइपरटेंशन, ये बड़ी प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर्स। तो सुबह उठ करके क्या पीना बोलो, पानी, नीर, जल। सुबह उठ करके कितना, एक गिलास से लेकर के पहले एक गिलास, फिर दो गिलास, तीन गिलास, बाद में आप एक लीटर तक पानी पी सकते हो, ये जरूरी है। जिनको अर्थराइटिस हो, उन महिलाओं को ज्वाइंट पेन हो, तो उनको वार्म वाटर लेना चाहिए, ठंडा पानी नहीं। जिनको एसिडिटी हो, उनको नॉर्मल वाटर लेना चाहिए, घड़े का, कुंभ का पानी, घड़े का, ठीक है। हाँ, जिनको वेट रिड्यूस करना हो, अर्थराइटिस हो, उनको गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। और ये जो गिलोय तेपति का अमृतबल्ली, ये जो बताया था, ये अर्थराइटिस को भी खत्म कर देती है। कंटिन्यू इसका सेवन करने से गिलोय और ये जबरदस्त है, ये तो अद्भुत है। घृता कुमारी, एलोवेरा कहते हैं इसे, इसका सेवन करने से अर्थराइटिस परमानेंट क्योर हो जाता है। अर्थराइटिस का एलोपैथी में, आयुर्वेद में जो भी मेडिसिन लेते हैं, थोड़ा हॉट गर्म, उससे थोड़ा पित्त बढ़ता है। एलोवेरा और गिलोय दोनों के सेवन से पित्त नहीं बढ़ेगा और अर्थराइटिस खत्म हो जाएगा, जबरदस्त चीज। लेडीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेडीज को जितना भी मंथली का प्रॉब्लम है, ओवर ब्लीडिंग है, वाइट डिस्चार्ज है, लिकोरिया है, या किसी भी तरह की पीरियड की प्रॉब्लम है, 40 डेज में किसी को, तो 20 डेज में किसी को, 60 डेज में पीरियड होता है, ये एलोवेरा, एलोवेरा इसकी औषधि है। घृता कुमारी, घृता कुमारी इसका नाम इसीलिए है, एक तो ये कुमारी के कौमार्य की रक्षा करता है, घृत जैसा शक्ति देता है, घृता कुमारी इसके लिए नाम है इसका, घृता कुमारी। लेडीज को जरूर पीना चाहिए चार चार चम्मच एलोवेरा जूस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी प्रकार का। और साथ साथ में मैंने कहा, जिनको स्किन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब ये तो मैंने थोड़ा सा बताया
एक खास प्रॉब्लम के लिए। जिनको बहुत ज्यादा लिकोरिया रहता है उनको एक शीशम का झाड़ आता है, पेड़, उसके पत्ते, शीशम के पत्ते पीस करके पीने से लिकोरिया और किसी भी प्रकार का धातु रोग पूरा खत्म हो जाता है शीशम के पत्ते। एक होता है नाग केसर, ये चूर्ण पाउडर होता है, अपने चिकित्सालयों में मिलता है। 2 ग्राम नाग केसर का पाउडर खा लो, कितना ही भयंकर आपको ब्लीडिंग हो रहा है बंद हो जाएगा। नाग केसर जबरदस्ती। मैंने शीशम के पत्तों का नाग केसर का प्रयोग जिन लेडीज को जैसे बच्चा है पेट में और तब ब्लीडिंग हो जाता है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, उनको भी मैंने ठीक किया। अगली बात, बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज हैं और फीवर हो गया तो क्या करेंगे? फीवर होने पर पैरासीटामोल देते हैं, क्रोसिन देते हैं, कोई भी दवाई देते हैं तो आपके बच्चों को डायबिटीज हो सकता है। कोई भी एलोपैथी की दवा आप खाते हो प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चों का ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपके बच्चों का हार्ट डैमेज हो सकता है, लीवर किडनी डैमेज हो सकता है, पेनक्रियाज डैमेज हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। जितने भी आज ये बच्चों को डायबिटीज हो रही है उसका मुख्य कारण है प्रेग्नेंट लेडीज एलोपैथी की दवा खाती है। नहीं लेना तो क्या करना? फीवर हो जाए तो ये गिलोय पीना, गिलोय का इसका उकाला बना के क्वाथ बना करके और ठंडा करके पी लेना, ना ये गर्म होता है ना ठंडा होता है, नॉर्मल होता है, त्रिदोष सामक। तो प्रेग्नेंट लेडीज को फीवर होने पर एलोपैथी की दवाई नहीं लेना, गिलोय लेना। आपका थोड़ी देर में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, ऐसे इसका सत भी बनाते हैं गिलोय सत, वो तो कड़वा भी नहीं लगता, एकदम से रिलीफ कर देता है। थोड़ा मोती पिष्टी दे देते, गोदंती दे देते, गोदंती गिलोय सत मोती पिष्टी 100% फीवर ठीक हो जाता। प्रेग्नेंट लेडीज को यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या करें? प्रेग्नेंट लेडीज को ब्लड प्रेशर बढ़ने पर एलोपैथी की दवाई लेंगे तो बच्चे को हार्म हो सकता है, उसका पल्पिटेशन हार्ट का रुक सकता है, उसको ब्रेन को नुकसान हो सकता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को अनुलोम विलोम ही करना चाहिए, अनुलोम विलोम धीरे धीरे। प्रेग्नेंट लेडी देखो, आजकल आपने देखा होगा अपंग बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, मेंटली रिटायर्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं ज्यादातर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और ये आपको बताना पड़ेगा। मैंने हजारों लाखों बहनों पर प्रयोग किया, जो माताएं बहनें अनुलोम विलोम करते हैं उनके बच्चे 100% हेल्दी पैदा होते हैं, किसी प्रकार का कोई लीवर किडनी हार्ट ब्रेन का डिसऑर्डर नहीं होता। मैंने एक कैसेट बनाया है गर्भवती महिलाओं के लिए योग, आप उसको YouTube पर भी देख सकते हैं, बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम भ्रामरी ओम और एक शीतली, इससे ना एकदम गर्मी नहीं लगेगी, अब तो चलो सूरज नीचे चला गया, नहीं तो बहुत गर्मी लग रही थी बहुतों को, इससे एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। देखो एक बार करके देखो, ऐसे ही ऐसे करके देखो, मुंह से लेना नाक से छोड़ देना। प्रेग्नेंट लेडीज का बीपी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और शीतली से नॉर्मल हो जाता है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुक्तावटी ओनली 1 टैबलेट, ये मैं लास्ट 25 ईयर से ये प्रयोग कर रहा हूं। प्रेग्नेंट लेडीज को मुक्तावटी लेने से बच्चे को कोई हार्म नहीं। ये मुक्तावटी बिल्कुल सिंपल है और 1 टैबलेट ले ले, बिल्कुल छोटी सी टैबलेट, 100% आयुर्वेदिक है, कोई केमिकल नहीं है। बीपी कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी मुक्तावटी और
सोरेकाई दूधी लौकी जिसको मैं बोलता हूँ, लौकी दूधी सोरेकाई का जूस। एक सोरेकाई होती है, एक हीरेकाई होती है। हीरेकाई तो ऐसे हेल्थ के लिए अच्छी होती है, सोरेकाई बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए मेडिसिन होती है। सोरेकाई का जूस और ये मुक्तावटी दे देने से प्रेग्नेंट लेडीज का बीपी भी 100% नॉर्मल आ जाता है। और कुछ दिन तो प्रयोग करने से फिर एक बार नॉर्मल आ जाए तो लौकी पिलाते और अनुलोम विलोम करा लो, कंप्लीट 100%। किसी किसी को डायबिटीज भी बढ़ जाता है लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को, उसको भी ये गिलोई पिलानी। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अनुलोम विलोम कराना, जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना ही डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाकर के, ब्लड के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाके दोनों बर्न होते हैं, वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, शुगर कंट्रोल हो जाता है। सेल के अंदर एंटर करते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और वो दोनों जाकर के जब बर्न होते हैं तो उसी से ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है जो सांस में छोड़ते हैं और एनर्जी बनती है। सेल के अंदर एंटर करते हैं तो जितना ऑक्सीजन लेंगे, जितना गिलोई लेंगे, तो बीपी के लिए और शुगर के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैंने बताया। नेक्स्ट, माइग्रेन पेन लेडीज को बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता बोलो? उसके लिए एक तो ये नाक के अंदर डालना बादाम रोगन, लगता नहीं है बिल्कुल भी, इसको नाक में डाल लो ऐसे ही, इसको ऐसे लिया और ये ऐसे नाक के अंदर ना ऐसे डल जाता है, ऐसे ऐसे डालेंगे तो ऐसे बूंद पड़ जाएगा, नाक के अंदर ले लो, अंदर निकल जाओ, अंदर उतार दो, पेट में चला जाएगा। और ये पूरा माइग्रेन पेन के लिए नाक में डालना, दूध में एक चम्मच पीना। और मैं बोल रहा था नाक में डालने के अलावा ये मेधावटी, ये दूसरी मेधावटी है, ये मेधावटी भी थोड़ी मोटी गोली है, इसकी एक से दो गोली मेधावटी लेने से माइग्रेन पेन भी खत्म हो जाता है। किसी किसी को लेडीज को माइग्रेन पेन के अलावा एपिलेप्सी आती है, एपिलेप्सी ये बड़ी खतरनाक होती है। एपिलेप्सी के लिए मैंने जिनको 30-30, 40-40 ईयर से एपिलेप्सी आता था उनको भी अच्छा किया। केमिकल्स लेने से धीरे धीरे मेमोरी लॉस होती जाती है, बाद में बहुत कन्वर्जन बहुत पड़ते हैं। ये बड़ा खतरनाक है, उसके लिए मेधावटी दो दो गोली लो, अनुलोम विलोम करो, आधा आधा घंटा, हाफ आवर, 30 मिनट्स अनुलोम विलोम करने से एपिलेप्सी भी क्योर हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी किसी को तो फ्रिक्वेंटली कभी 30 डेज में, 20 डेज में आता रहता है, ये बड़ा खतरनाक है इसके लिए। नेक्स्ट, लेडीज के लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको जो जेंट्स को अक्सर नहीं होती, जैसे सबसे ज्यादा लेडीज को हीमोग्लोबिन की कमी, लो हीमोग्लोबिन, उसके लिए क्या करें? हीमोग्लोबिन की, विटामिन डी की, विटामिन बी12 की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी कम हो जाते हैं। एक बात सुनो, एक तो होता है थैलेसीमिया, माइनर थैलेसीमिया भी अच्छा हो जाता है, थैलेसीमिया उसमें तो बहुत ही, जिनका 5-6 तक आ जाता है ना उनको माइनर थैलेसीमिया फिर कहते हैं अब तुमको तो यह हो गया, अब आगे नहीं, फिर चक्कर आते हैं उनको। एक तो कपालभाति, लेडीज के लिए खास सुन लो, मेरा हीमोग्लोबिन, मैंने 18 इयर्स तक तो ग्रेन लिया ही नहीं कोई भी, नो राइस, नो पल्सेस, नो चपाती, नो वीट, मकई, मेज, कुछ नहीं, खाली मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क, बस ये लिया 18 इयर्स तक।
मैंने कपालभाति से अपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन किया है। लास्ट 25 ईयर से मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5 से नीचे लगभग नहीं आता है, 17 मेंटेन रहता है। एक तो मैं ग्रीन वेजिटेबल्स लेता हूं, ग्रीन वेजिटेबल्स, व्हीट ग्रास जानते हो ना, वीट का ग्रास लेके उसका रस निकालना, वीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, ये सब अच्छा होता है। और दाड़म, अनार, दाड़म, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये अद्भुत है। ये वीट ग्रास हमने ऐसे भी निकाल दिया है और जूस के रूप में भी निकाल दिया जिसको लेना हो। ये गिलोय का भी जूस निकाल दिया हमने, लोग ना आलसी होते पीते नहीं है तो हमने रेडीमेड भी निकाल दिया है, क्योंकि आजकल लोग उबाले कौन, पकाए कौन, छाने कौन। ये गेहूं का जवारा और एलोवेरा इसका रस भी है, ये भी पी सकते हैं। ये हीमोग्लोबिन के लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं। और ये वीट ग्रास का पाउडर भी है, वीट ग्रास को ड्राई करके और उसका पाउडर कर दिया। एक एक चम्मच खाने से आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, ये बहुत जरूरी है। फिर उसमें आप मुनक्का और अंजीर भी ले सकते हैं, गाजर, कैरेट का जूस पी सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, पेरू, अमरूद ले सकते हैं। सारी जो अच्छी चीजें हैं वो तो हेल्प करेंगी। कपालभाति जरूरी है।